उज्जैन जिले के महाकाल थाना क्षेत्र में एक बार फिर पुलिस आरक्षक की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है, जहां 500 रुपए नहीं देने के चलते एक आरक्षक ने फूल की दुकान पर काम करने वाले युवक के साथ सरेआम मारपीट की। आरक्षक की मारपीट के बाद युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के बाहर फूल की दुकान पर काम करने वाले घायल युवक रवि माली ने बताया कि वह सुबह रोज की तरह दुकान पर काम करने आया था, जहां दो पुलिसकर्मी आए और 500 रुपए की मांग करने लगे। नहीं देने पर उसके साथ मारपीट करने लगे। वहीं युवक को फिर थाने ले जाकर अन्य पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर भी उसकी मारपीट की गई। हालांकि मारपीट की घटना तो पुलिस के लिए आम बात है, लेकिन दबाव बनाकर फरियादी रवि माली से माफीनामा भी थाने में लिखवाया गया। युवक के साथ मारपीट करने वाले आरक्षक का नाम राघवेंद्र सिंह और विजेंद्र भारतीय बताया जा रहा है। यहां दोनों पुलिसकर्मी लंबे समय से महाकाल थाने में पदस्थ हैं। सर, मैं महाकाल चौराहे पर काम करता हूं, फूल की दुकान है भैया की, वहां पर मैं ग्राहक छोड़ता हूं दुकान से। तो ये राघवेंद्र जी, राघवेंद्र सिंह और विजेंद्र भारती, ये सामने से आए और इनने कालर पकड़ी और वहाँ चौराहे पर मारा मेरे को, थाने में ले जाके भी मारा, पूरा हाथ फ्रैक्चर कर दिया इनने। क्यों मारा इन्होंने? बेवजह किसी को भी उठाना, और पैसे चाहिए इनको, 500 रुपये चाहिए एक व्यक्ति से। सभी चौराहे वाले परेशान हैं, आए दिन ये चौराहे वालों से उठा जाते हैं, चोरों को उठा जाते हैं, काम करने वालों को, फूलमाला की दुकान वालों को। पैसे चाहिए इनको 500 रुपये। सर, किस चीज़ के 500 रुपये मांगते हैं? काम करना है तो 500 रुपये दो आप यहाँ पर, नहीं तो आपको उठा जाएंगे, 151 लगा देंगे आप पे। बस ये दोनों ये महाकाल थाने में आरक्षक हैं, राघवेंद्र सिंह और विजेंद्र भारती। और माफ़ीनामा भी लिखवा है मेरे से, ज़बरदस्ती मार के थाने के अंदर गोपाल सिंह राठौर, उन्होंने माफ़ीनामा लिखवाया ज़बरदस्ती मार के। अच्छा, अभी क्या हुआ आपके साथ मारपीट करी? ये सुबह 10:30 बजे मैं चौराहे पर गया, अंदर उन्होंने बेल्ट पाइप लट सब से मारा बेवजह बेकारण। मैंने पूछा अपराध क्या है मेरा, वहाँ पे चिल्ला चोट करी, तो उन्होंने अभद्रता लगवा दी कि हमारे साथ बदतमीजी कर रही है, माफ़ीनामा लिख दे, ये कर दे, वो कर दे, नहीं ये बोला गोपाल सिंह राठौर। आपको कैसे पता चला कि हाथ टूट गया? सर, पूरा हाथ ही नहीं उठ रहा था ना उस वक्त, ये मार मेडिकल करने के लिए राजी नहीं, सिविल में से आया, मेरे पास में पर्ची भी पड़ी हुई है, सिविल में गया था, पर्ची पड़ी हुई है, उनने मेडिकल ही नहीं करा। वहाँ पे बोले आप रिपोर्ट डालो महाकाल थाने, और महाकाल थाने वाले रिपोर्ट डाल नहीं रहे हैं, तो इसीलिए मैं SP ऑफिस आया। हालांकि युवक के साथ मारपीट की घटना कैमरे में कैद नहीं हुई है, लेकिन युवक को आरक्षक द्वारा थाने में ले जाते हुए CCTV फुटेज सामने आया है, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने घटना को शर्मनाक बताया। वहीं एडिशनल SP अमरेंद्र सिंह ने जल्द कार्यवाही की बात कही है। एक व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर एक शिकायत की गई थी कि कहीं कोई जवान, दो जवान है उनके साथ में मारपीट की गई है। इस पूरे जो शिकायत के आधार पर उसका मेडिकल कराया गया है और शिकायत ली गई है, उसकी पूरी जांच की जाएगी, अगर दोषी पाए जाएंगे तो उसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी।